नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चैत नवरात्रि काफी नजदीक है और इस नवरात्रि के अवसर पर आज मैं एक ऐसा अचूक धन प्राप्ति के टोटके बताने जा रहा हूँ। इतने शक्तिशाली धन प्राप्ति के टोटके बताने जा रहा हूँ। अगर इस टोटके को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में जीवन भर पैसों की नदियां बहेगी और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी और आजीवन आपके घर में और धन दौलत आते रहेगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पर रहेगी और आप रातों रात हो जाएंगे धनवान। नवरात्रि के समय में अगर इस टोटके को कर लेते हैं तो आपको कोई भी माई का लाल जो है आपको अरबपति बनने से रोक नहीं सकता है और आप बहुत ही जल्दी अरबपति बन जाएंगे। आखिर कौन सा टोटका है, कौन सा चमत्कारी उपाय है, सारे कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो में एक लाइक अवश्य कर दे, कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माता दी जरूर लिखे ताकि माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा की कृपा आपके घर पर बना रहे और साथ में आपके घर में किसी भी तरह का रोग बीमारी से लेकर के सारा चीज आपको घर में समाप्त हो जाए, घर में नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाए और आपके घर में किसी भी तरह का दुख प्रकट से लेकर के तमाम चीज आपको समाप्त हो जाए। तो आज मैं एक ऐसा चमत्कारी टोटके धन प्राप्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। इस टोटके को अगर आप करते हैं तो आपका जेब से लेकर के आपका पर्स से लेकर के आपका अलमारी लॉकर तमाम जगह पे पैसों रखने की जगह नहीं मिलेगी और आप हो जाएंगे धनवान और धन प्राप्ति का ऐसा चमत्कारी टोटके बताने जा रहा हूं। इस टोटके को जरूर प्रयोग करें। इसको कैसे करना है ये सारे विधि मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि सर्वप्रथम आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि के शुरुआत दिन में आपको करना क्या है, ये 9 दिन का क्रिया है। 9 दिन तक जो है आपको बरगद का एक पत्ता को तोड़ करके लाना है, पेड़ से, गिरा हुआ नहीं, बरगद जिसको बोलते हैं बड़ का वृक्ष का पौधे एक पत्ते एक आपको लाना है, या पौधे से भी ला सकते हैं या बरगद का पेड़ से भी। एक पत्ता आपको प्रत्येक दिन तोड़ करके लाना है 9 दिन तक। और पर शुरुआत दिन जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी उस दिन उस बड़ के पत्ता पर आपको सीधा चिकना पर ऊपर की तरफ आपको लिखना है एक स्वास्तिक। स्वास्तिक को कैसे लिखना है, आपको अष्टगंध का स्याही बनाना है। अष्टगंध का स्याही गुलाब जल में आपको डालना है, केसर, कुमकुम, कस्तूरी, लाल चंदन, सफेद चंदन, हल्दी का पाउडर, ये सारे चीज को डाल करके आपको अष्टगंध का स्याही बना लेना है। और उसी अष्टगंध से आपको उस बड़ का पत्ता पर जो एक स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक वो चिन्ह मैं दे दूंगा, वो स्वास्तिक को बनाना है और स्वास्तिक के नीचे में लिखना है ओम श्रीम मंत्र को आपको लिखना है। और लिख करके आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा, नीचे में सिल्क का कपड़ा, सूती कपड़ा नहीं, ऊनी का कपड़ा नहीं, आपको सिल्क का कपड़ा आपको बिछा लेना है। बिछा करके आपको पूजा स्थान में इस चीज को करना है और प्रत्येक दिन उस पर वो बड़ का पत्ता सामने रख करके स्वास्तिक बना करके उसमें अक्षत रोड़ी सिंदूर से प्रत्येक दिन पूजा कीजिएगा और धूप दीप जला करके ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र को डेली 21 बार आपको पढ़ना है और पढ़ करके ये पत्ते को रखना है। ये क्रिया ऐसा क्रिया आपको 9 दिन तक करना है। 9 दिन करने के बाद जब 9 पत्ता इकट्ठा हो जाए तो आपको 10वीं के दिन में जो है उस पत्ते को, तमाम पत्ते को उसमें 2 पीस लौंग और 2 पीस इलायची और 2 पीस आप सफ़ेद कौड़ी डाल करके उस कपड़े में लपेट करके एकदम चुपचाप किसी को बिना बताए हुए आप घर के अलमारी, लॉकर, दराज या पूजा स्थान
कहीं पर भी इसे आप छुपा करके रख दीजिए। बस इतना क्रिया करने से ही आपके घर में कभी भी धन की अभाव नहीं रहेगी, आपका घर में बहेगी पैसों की नदियां और दौलत से आप हो जाएंगे परिपूर्ण। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी टोटके मैं बताऊं, ये विषय जो है, ये चैप्टर जो है, किसी को बिना बताए आपको करना है। अगर ये करना है तो एकदम करना है, इसको जरूर कीजिए, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।